हेलो, मैं हूँ आशा और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही इजी सा मेकअप लुक, जिसे आप कर सकते हैं किसी भी शादी वगैरह में जाने के लिए। और बहुत ही प्यारा है ये लुक और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है मैंने ये। तो सबसे पहले फेस को करना है, सॉरी सबसे पहले मैं करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज। और उसके लिए मैंने लिया है ये वैसलीन, और बहुत ही अच्छा काम करता है ये लिप बाम का। और अब मैं करूँगी अपने फेस को मॉइस्चराइज। उसके लिए मैंने लिया है ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप क्रीम, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। वैसे इसे कोई भी स्किन टाइप वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ये, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, चिपचिपी नहीं लगती। और मैंने लिया है प्राइमर ब्लू हेवन का, और ये जो मेकअप है ये एक ड्यूई मेकअप लुक है, क्योंकि सर्दियों में जो मैट मेकअप है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ड्यूई लुक काफ़ी अच्छा लगता है सर्दियों में, तो इसीलिए। और अब मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल, और उसके लिए मैंने लिया है म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर। और उसमें से डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं अपने आईब्रोज़ को इस तरह से फिल कर लूँगी। और मैंने लिया है ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर, काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, बहुत अच्छी कवरेज देता है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है बहुत आराम से। और इस तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। इस तरह से आईब्रोज़ को क्लीन करने से आईब्रोज़ बहुत ही अच्छी लगती है और उनकी शेप बहुत ही अच्छी लगती है। और अब मैं उसी कंसीलर को एज आई प्राइमर भी यूज़ कर लूँगी, ताकि आई शेडो के जो कलर हैं वो अच्छे से आएं। और अब मैंने लिया है SFR का आई शेडो पैलेट, उसमें से ये डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। और आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करें, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आई शेडो जितने अच्छे से ब्लेंड होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अब मैंने ये SFR का ही दूसरा आई शेडो पैलेट लिया है, और इसमें से ये ब्लू कलर लेकर मैं इसको अपनी क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं करूँगी कट क्रीज, और उसके लिए मैंने वही फिट मी कंसीलर लेकर अपनी क्रीज को कट किया है इस तरीके से। और अब मैं उसी आई शेडो पैलेट SFR आई शेडो पैलेट में से ये वाला ब्लू शिमरी ब्लू कलर लेकर अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, काफ़ी पिगमेंटेड कलर हैं इसके अंदर। और अब मैंने वापस से वही ब्राउन कलर लेकर अपने आउटर वी पर अप्लाई किया है, और अब मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई किया है आईलिड पर, ताकि और अच्छी सी शाइन आए। और मैंने अब लगाया है लाइनर, लाइनर मैंने लिया है मेबलिन का लाइनर है ये, क्लोसर लाइनर, बहुत ही अच्छा लाइनर, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये, बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है क्योंकि इसकी जो टिप है वो बहुत ही अच्छी है ब्रश की। और मैंने वही क्लोसल मस्कारा लिया है मेबलिन का, और ये मस्कारा इतना अच्छा है, आपके लैशेस को इतने अच्छे से कर्ल करता है, इतने अच्छे से वॉल्यूमाइज करता है, आई लैशेज आप फॉल्स आई लैशेज नहीं लगाएंगे तब भी आपकी आई लैशेज बहुत अच्छी लगती है। और मैंने लिया है ये इनसाइड का स्टे मैट फाउंडेशन, एक मैट फाउंडेशन है, तो इसको ड्यूई बनाने के लिए मैंने इसमें मिक्स किया है इनसाइड का ही ग्लो इल्यूमिनेटर, जो कि एक गोल्डन कलर का है। और अब मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन में ग्लो इल्यूमिनेटर मिलाने से काफ़ी अच्छा ड्यूई लुक आता है, जो कि सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैंने वापस से वही कंसीलर लिया है, और उससे अपने उसी कंसीलर को अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई किया है हाइलाइटिंग के लिए। और अब मैं इसको वापस से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और अब मैंने इसको सेट किया है पाउडर से, और बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई नहीं किया है मैंने, नहीं तो जो फाउंडेशन की ड्यूइनेस है वो कम हो जाएगी। और अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर, कॉन्टोरिंग के लिए मैंने लिया है शिवाना का ब्लश कॉन्टोर पैलेट,
और उसी में से कॉन्टोर शेड लेकर अपने फेस को मैंने कॉन्टोर किया है। बहुत ही अच्छा ब्लश पैलेट है वो भी, ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें हाइलाइटर कलर हैं और ब्लश कलर मिल जाते हैं आपको। और अब मैंने इसी में से ये शैम्पेन कलर का हाइलाइटर लेकर अपने फेस को हाईलाइट किया है, अपने हाई पॉइंट्स पर हाइलाइटर अप्लाई किया है। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर शेड है ये, बहुत ही नेचुरल सी शाइन देता है आपको, बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता, कोई चंकीनेस नहीं है इसके अंदर। और अब मैंने अपने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट किया है ब्राउन कलर से, और अब मैंने ये ब्लू कलर लिया है जो मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई किया था, उसी से मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है उसी को। और अब मैंने लिया है फेसिस का काजल, और अब मैंने अपने लोअर लैशेज पर मस्कारा अप्लाई किया है, और मैं फाइनली मैंने लगा रही हूँ लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक है लैक्मे की, बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है, ये भी मैट लिपस्टिक है लेकिन बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करती है, और मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया है। और ये है फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा डूई सा लुक आया है मेरा, और बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।